यार गाइस कम ऑन, दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट और वो डिजर्व करते हैं एडुलेशन एडमिरेशन सारी डिजर्व करते हैं. सो अगेन आई थिंक रूथलेस रन है इंडिया का और अनबीटन जाता है फाइनल तक और जीतता है तो ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. आई थिंक मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि मारते हुए और ना हारते हुए और वर्ल्ड कप जीत जाए. और आई होप कि उनके लिए कोई बैड लक डे ना आए इंडिया के लिए कि जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल में. सो अगेन इट्स अनबीटन रन फॉर इंडिया और विश दम बेस्ट ऑफ लक. अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं. लोग कहते हैं आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, यार अब मैं क्या ना तारीफ करूं यहाँ पे उनकी. अब और अब आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अदर टीम्स टू लुक आउट बिकॉज इंडिया एज अ बैटिंग यूनिट नहीं एज अ बॉलिंग यूनिट भी बहुत रूथलेस है. सो विश दम ऑल द बेस्ट एंड दिस इज़ अ ड्रीम रन फॉर इंडिया. कप्तान रन्स कर रहा है, टीम रन्स कर रही है, बॉलिंग आउट करके दे रही है, फील्डर अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज अनस्टॉपेबल स्ट्रीक बनती जा रही है इंडिया के लिए. विश दम ऑल द बेस्ट. ऑल यू नीड इज अनदर गुड 5 डेज इन योर लाइफ. हैव फन. देखिए प्लस मोमेंट ऑफ द मैच में तो खैर पूरी भारतीय टीम है. अगर आप विराट कोहली की इनिंग्स देखें, बाकी एक ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस देखें, कप्तानी देखें, सबको 100 में से 100 नंबर. इंडिया और नेदरलैंड के दरमियान में मैच खेला गया ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का तकरीबन आखिरी मैच था ये. इंडिया का नौवां मैच था और इंडिया ने तारीख रकम कर दी कि अपने ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक नॉन डिफीटेबल टीम है इंडिया. तमाम के तमाम मैच जीत चुकी है. शोएब अख्तर कह रहा है कि जो इंडिया टीम है वो पूरी उम्मीद है कि इस दफा ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 अपने नाम करेगी और भारत टीम जो है वो अपनी तारीख को दोहराएगी. इस तरह रोहित शर्मा, के एल राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, ईशान किशन, ये तमाम प्लेयर जिस तरह बैटिंग करते हैं तो देखने वालों को मजा आता है. रोहित शर्मा की जो शॉट है क्लासिक शॉट खेलते हैं, छक्का लगाते हैं, प्रॉपर छक्का मारते हैं. बहुत कम ऐसा होता है कि इंडिया के प्लेयर कोई भी, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ईशान किशन, शुभमन गिल, के एल राहुल, कोई भी इंडिया का प्लेयर हो वो कैच पे आउट हो जाए. इस तरह शोएब अख्तर कह रहा था कि आज के मैच में दोबारा बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव, शामी, सारे प्लेयर ने दो दो विकेट लेकर दो दो शिकार किए आज के मैच में और नेदरलैंड के प्लेयर्स को पवेलियन की राह दिखाई. शोएब अख्तर कहना है कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में इंडियन टीम की बैटिंग बॉलिंग 100% है और इंडियन टीम फुल फॉर्म में है. इस उम्मीद के साथ कि इंडियन टीम 2023 का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लेगी. यार गाइस कम ऑन, दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट और वो डिजर्व करते हैं एडुलेशन एडमिरेशन सारी डिजर्व करते हैं. सो अगेन आई थिंक रूथलेस रन है इंडिया का और अनबीटन जाता है फाइनल तक और जीतता है तो ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. आई थिंक मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि मारते हुए और ना हारते हुए और वर्ल्ड कप जीत जाए. और आई होप कि उनके लिए कोई बैड लक डे ना आए इंडिया के लिए कि जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल में. सो अगेन इट्स अनबीटन रन फॉर इंडिया और विश दम बेस्ट ऑफ लक. अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं. लोग कहते हैं आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, यार अब मैं क्या ना तारीफ करूं यहाँ पे उनकी. अब और अब आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अदर टीम्स टू लुक आउट बिकॉज इंडिया एज अ बैटिंग यूनिट नहीं एज अ बॉलिंग यूनिट भी बहुत रूथलेस है. सो विश दम ऑल द बेस्ट एंड दिस इज़ अ ड्रीम रन फॉर इंडिया. कप्तान रन्स कर रहा है, टीम रन्स कर रही है, बॉलिंग आउट करके दे रही है, फील्डर अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज अनस्टॉपेबल स्ट्रीक बनती जा रही है इंडिया के लिए. विश दम ऑल द बेस्ट. ऑल यू नीड इज अनदर गुड 5 डेज इन योर लाइफ. हैव फन. देखिए प्लस मोमेंट ऑफ द मैच में तो खैर पूरी भारतीय टीम है. अगर आप विराट कोहली की इनिंग्स देखें, बाकी एक ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस देखें, कप्तानी देखें, सबको 100 में से 100 नंबर.